कृषि केंद्र संचालक की गलती से अल्पभूधारक किसान का नुकसान हुआ है, किसान ने न्याय की मांग की है। कपास यहां नगद स्वरूप की फसल होने से हर किसान यह साहूकारी खासगी कर्ज लेकर ही खेती करता है। कर्ज के बोझ तले होने पर उसी में बोंड इली का प्रादुर्भाव, इन सभी संकट से सवरते सवरते हाल ही में लगी फसल यह कृषि केंद्र संचालक की गलत सलाह से पूरी तरह से सूखी पड़ी, जिससे अन समय पर मुंह का निवाला छीने जाने से अन्यायग्रस्त किसान पर बड़ी परेशानी आन पड़ी है। इस परेशानी से निपटना मुश्किल होने का मत किसान ने व्यक्त किया। 22 सितंबर को दुकान से दवाई ली, दवाइयों का बिल मांगने पर समीप के व्यक्ति को बिल की क्या आवश्यकता ऐसा कहकर बिल देने से संचालक ने इनकार किया। किसान ने कीटनाशक और टॉनिक मांगी, तभी कृषि केंद्र संचालक ने उसे तननाशक दवाई देकर छिड़काव की सलाह दी। किसान ने छिड़काव किया और दूसरे दिन खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी तरह से कपास की फसल नष्ट हो चुकी थी। हाथ में आई फसल पूरी तरह से नष्ट होने से किसान पूरी तरह से निराश हो गया और कृषि कार्यालय पहुंचा। इस नुकसान भरपाई के साथ ही कृषि केंद्र संचालक पर कार्रवाई करने की मांग अन्यायग्रस्त किसान ने की है। रामचंद्र बोंडको झाड़े कोणत्या गावचे? चक्रीपुरी। काय झालं सांग। तर दवाई द्यायचा कर म्हणलो शेती सांचवाड, तर गेलो तर दिला काढून पटपट, कोणती कोणती सांगा म्हणलं। आता मी जे नाव काल सांगलो रानो टानिक ना सुपर द्या म्हणलो दिला, तर हे दवाई ती टाकून दिला। आता मी काही वाचून पाहायला गेलो हे दवाई म्हणून कशा मानव, आता आणून ठेवून दिलो 30 तारीख केली, आता कालची 30 तारीख काल चालू केलो, आता सकाळी जाऊन पाहतो तर का हे वसुली समोर गेलो तसेच झाले लाकडा पडून। किती एकर शेतीमध्ये आहे ते? 4 एकर। पूर्ण 4 एकर मरण पावलं। हो, बिल मागितलं बिल नाही दिला। काय म्हणते? कोणालाच नाही दिला, बाकीचे बाहेर गावचे होते त्याला नाही दिला, मलाही नाही दिला।